नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों यहाँ पे देखिए, मैं जो आया हुआ हूँ यहाँ पे जो गेहूँ की खेती है, दूर दूर तक गेहूँ की खेती के अलावा कोई खेती नहीं करते यहाँ के किसान। और यहाँ पे किसान भाइयों जो खेती है वो केवल कटने के लिए केवल 10% रह गई है और 15% निकलने के लिए रह गई है, बाकी जो 75% है वो खेत खाली हो चुके हैं। तो वो मैं अभी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, उसको मैं लास्ट वीडियो कर दूंगा, क्योंकि किसान भाइयों आने वाले टाइम में अब 20 तारीख के बाद हम गेहूँ वो आलू की बोली लगने वाली है, उसकी वीडियो बनाने वाले हैं। और किसान भाइयों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल भी दबा दीजिए। हम आलू की जो बोली लगने वाली है उसकी लाइव वीडियो आपके लिए दिखाने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और चलिए किसान भाइयों हम चलते हैं ट्रैक्टर के पास और जानते हैं कैसी इनकी पैदावार आ रही है, लेकिन हम ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, बस आपके लिए दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमारी आवाज़ आने वाली नहीं है। तो चलिए किसान भाइयों इस वीडियो को देखते रहिए, अब बाद में बात करते हैं। ये सोनाली का ट्रैक्टर 60 है, तो देखिए। और ये देखिए जो भूस निकाल रही है मशीन, कितनी तेज़ी स्पीड से निकाल रही है किसान भाइयों। अब देखते हैं गेहूं की तरफ क्या हो रहा है। तो यहाँ से किसान भाइयों देखिए गेहूं निकल रही है इनकी। तो किसान भाइयों जो पैदावार है वो तो काफ़ी कम है, 20 कुंटल से कम ही कम निकल रहा है, 20 कुंटल तो लास्ट हो रहा है यहाँ पर प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाई ये जो मशीनें काफ़ी तेज़ी से चल रही है और इसको बोलते हैं कटर, जो कि ये गेहूं निकालती है। और किसान भाई यहाँ पे जो इसकी निकासी ले रहे हैं वो ले रहे हैं, यानी 14 जो ड्राम से डाल रहे हैं वो ड्राम तो किसान के हैं और एक ड्राम ट्रैक्टर वालों का है। तो ऐसे इसकी जो मतलब निकासी ले रहे हैं वो ऐसे लेते हैं। तो किसान भाइयों ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में हम काफ़ी अच्छी वीडियो और लेके आने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।